हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बने फिल्म डॉक्टर जी मूवी के। आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हां दोस्तों, 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा, जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रनर टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि आर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है, लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में रकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिदेवी, त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन चड्ढा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी शो की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था।
आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किड्डी किडी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिनेमा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटम थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एस्क्रीन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी, जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे याराम थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली शाह, जो कि यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन देते। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा, जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों
चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रनर टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि अर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में रकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन चड्ढा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी शो की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किड्डी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था।
बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है। तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था। जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटम थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एस्क्रीन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे यारा थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली सर जो की यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन देते। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले आएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ YouTube पे आपको कहां से देखने को मिलेगा जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का
प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रन टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि अर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में रकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन सोड्डा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी साइकिल की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किड्डी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री
सुपरस्टार अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेता रकुल सुपरस्टार अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिनेमा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटन थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एस्क्रीन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे यारा थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली शाह, जो कि यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप्स 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन देते। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। एक भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा, जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रनर टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें।
फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि आर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी फिल्म डॉक्टर जी मूवी को। दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में रकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन चड्ढा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी शो की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किडी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसे कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है
अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटम थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एस्क्रीन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे याराम थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली सर्जो की यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप से 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन देते। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बनी फिल्म डॉक्टर जी मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल भारत अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रन टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है।
इसमें आयुष्मान खुराना, राकुलप्रीत सिंह, अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि आर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है, लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी फिल्म डॉक्टर जी मूवी को। दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में राकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्मा ने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन चड्ढा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी साइकिल सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किडी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री राकुलप्रीत सिंह, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री राकुलप्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं।
फिल्म की अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटम थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एस्क्रीन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे यारा थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली सहजो की यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन देते। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बनी फिल्म डॉक्टर जी मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रन टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है।
जो कि आर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है, लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी फिल्म डॉक्टर जी मूवी को। दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में राकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन सोड्डा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी साइकिल की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किडी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें एक शुक्राणु दाता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी करियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राज कप
सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटम थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एसरिंग समान समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी, जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे यारा थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली सर जो की यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप से 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन दे थे। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बनी फिल्म डॉक्टर जी मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ YouTube पे आपको कहां से देखने को मिलेगा, जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रनर टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ YouTube पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि अर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है डॉक्टर जी को 14
अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में राकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन चड्डा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी शो की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किड्डी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटन थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एसरीन समान समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी।
जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे यारा थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली सर्जो की यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन देते। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बनी फिल्म डॉक्टर जी मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रन टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि अर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें।
बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में रकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी अमजद नदीम आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन सोड्डा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किडी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसे कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी करियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटम थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एसरिंग समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी, जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म
थद्दैयारम थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली सर जो की यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन देते। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बनी फिल्म डॉक्टर जी मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रनर टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि आर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था।
यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर आरती मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में रकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिदेवी, त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन चड्डा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी शय की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किडी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटम थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एस्क्रीन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे याराम थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म
डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली साजो की यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजियट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप से 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन देते। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बनी फिल्म डॉक्टर जी मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ YouTube पे आपको कहां से देखने को मिलेगा, जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रनर टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ YouTube पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि अर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है, लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की
पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में राकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्मा ने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन सोड्डा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों, फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले, यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी साइकिल की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किड्डी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों, आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटन थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एसरिन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी, जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे यारा थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली शाह, जो कि यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे।
और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में सैफ अली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजियट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन दे थे। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बनी फिल्म डॉक्टर जी मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा, जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री सैफ अली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रनर टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और सैफ अली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि अर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में रकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर
2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिदेवी, त्रिवेदी, अमजद नदीम, अमीर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन चड्डा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों, फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले, यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी शो की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किडी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों, आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटम थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एस्क्रीन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी, जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे याराम थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली सर, जो कि यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली सर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में
A.R. वर्गानी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन देते। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बनी फिल्म डॉक्टर जी मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ YouTube पे आपको कहां से देखने को मिलेगा, जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रनर टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ YouTube पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि अर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में रकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था।
जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन सोड्डा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी शो की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किडी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटन थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एसरिन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे याराम थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली शाह जो कि यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में एक
के तीसरे में से एक बनने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप से 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन देते। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बनी फिल्म डॉक्टर जी मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा, जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रन टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि अर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट में बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में रकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन चड्ढा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह के साथ हृदय और भावनाओं
से बनाव के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी शो की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किड्डी किडी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटम थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एस्क्रीन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे याराम थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली शाह जो कि यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि
इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन देते। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बनी फिल्म डॉक्टर जी मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा, जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रन टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि आर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में रकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन चड्ढा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और
अक्सर वह सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी शय की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किडी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटम थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एस्क्रीन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी, जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे यारा थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली सर्जो की यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन दे थे। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे।
फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बनी फिल्म डॉक्टर जी मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा, जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रन टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगले पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि अर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है, लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में रकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन सोड्डा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की
और 2019 की सेलिब्रिटी शो की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था। आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किड्डी किडी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें एक शुक्राणु दाता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी करियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटन थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एस्क्रीन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी, जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे यारा थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली शाह, जो कि यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप्स 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन दे थे। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले।
हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे अनुभूत कश्यप सर के डायरेक्टर में बनी फिल्म डॉक्टर जी मूवी के। आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी, मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप लोग नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि यह फिल्म को हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे आपको कहां से देखने को मिलेगा, जो दोस्तों पूरा जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलो अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी का डायरेक्टर अनुभूत कश्यप ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, जबकि इस फिल्म का लिखित सुमित सक्सेना और सौरभ भारत विशाल बाग अनुभूत कश्यप ने मिलकर इस फिल्म का लिखे थे। फिल्म का प्रोड्यूसर जंगली चित्र द्वारा इसे बनाई गई थी और यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, अभिनेत्री शेफाली शाह जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज हुई डॉक्टर जी मूवी का रनर टाइम 1 से 24 मिनट के साथ इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप हिंदी भाषा के साथ यूट्यूब पे देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें। फिल्म डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप के डायरेक्टर में और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की मेडिकल और कैंपस कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह अभिनेत्री और शेफाली शाह है। यह फिल्म एक पुरुष चिकित्सक के संघर्ष का अनुसरण करती है जो कि अर्थो और पेडिक्स में रुचि करता है लेकिन बदले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाता है। इस प्रकार अराजकता और अग्रसर होता है। डॉक्टर जी को 14 अक्टूबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था और दोस्तों आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप बेहद पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों यह फिल्म को बनाने में बजट 25 करोड़ के मात्र बजट पर बनी। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 40.71 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। बात करें दोस्तों डॉक्टर जी मूवी की घोषणा दिसंबर 2020 में आयुष्मान खुराना के साथ मुख्य भूमिका में की गई थी। यह अनुभूति कश्यप की पहली डायरेक्टर फिल्म थी और फरवरी 2021 में रकुल प्रीत सिंह को खुराना के साथ अभिनय करने के लिए साइन किया गया था। फिल्म की फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी जुलाई 2021 में शुरू हुई और इसे मुख्य रूप से भोपाल में शूट किया गया था। फिल्म की सितंबर 2021 में पूरी हो गई थी और कुछ दृश्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिल्माए गए थे। फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी, अमजद नदीम, आमिर और सुल्तान सुलेमान ने दिया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर केतन सोड्डा द्वारा रचित है। और बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी की स्वागत समारोह में डॉक्टर जी को आमतौर पर समीक्षकों से प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और अंतर्निहित सामाजिक संदेह में के साथ हृदय और भावनाओं के सही मिश्रण के साथ सकारात्मक समीक्षा मिली थी। दोस्तों बात कर ले यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना, जो कि भारतीय अभिनेता है और बॉलीवुड के फिल्म में काम करते हैं, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और अक्सर वो सामाजिक मानदंडों से जूझे रहे हैं और सामान्य पुरुष में अपने चित्रण के लिए भी जाना जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार के प्राप्त करता है। वह फोर्ब्स इंडिया की 2013 की और 2019 की सेलिब्रिटी शो की सूची में दिखाई दिए हैं और टाइम ने उन्हें 2020 में दुनिया के 100 से प्रभावशाली लोगों में से एक माना दिया था।
आयुष्मान खुराना ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो और एमटीवी रोडीज का दूसरा सीजन जीता और एक एंकरिंग करियर में प्रवेश किया और उन्होंने 2012 में रोमांटिक कॉमेडी किड्डी किडी डोना के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें एक शुक्राणु दत्ता के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड अर्जित किया था। बात करें दोस्तों आयुष्मान खुराना की कॉमेडी ड्रामा ब्रेली की बर्फी 2017 और शुभ मंगल सावधान 2017 जैसे बधाई हो 2018 जैसी कई फिल्मों में एक साथ नजर आए हैं। इनकी कैरियर की शुरुआत बात करें तो दोस्तों पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद उनकी पहली नौकरी बिग और एफएम दिल्ली में एक रेडियो व्यक्तित्व के रूप में की थी। और बता दें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, जो कि यह एक भारतीय अभिनेत्री है और जो सुपरस्टार अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको जबरदस्त लुक में देखने को नजर आएंगी। यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती है, तेलुगु हिंदी और तमिल फिल्मों के काम करती है। उन्होंने कन्नड़ फिल्म गिल्ली 2009 में अभिनय किया है। अभिनय की शुरुआत करते ही उन्होंने फिल्मफेयर अवार्ड साउथ के लिए 3 नामांकन के साथ सिम्मा अवार्ड सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म की अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों सिंह ने उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एक अभिनेत्री बनने की सपना देख रहा था, जबकि दोस्तों वह 2011 में फिल्म लौटी और जिसमें सिद्धार्थ राजकुमार के साथ किराटम थी और जो कि तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि आलोचकों ने कहा कि उन्हें बहुत कम एसरिन समय मिला और यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी, जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म 2012 में वह तमिल फिल्म थद्दे याराम थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली शाह, जो कि यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन देते। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले। यह फिल्म तमिल में भी बनाई गई थी, जिसका शीर्षक युवान था और जिसमें वह ही कलाकार थे लेकिन अलग अलग निर्देशक थे। 2012 में वह तमिल फिल्म
थद्दैयारम थक्का में एक सहायक भूमिका निभाई थी और जनवरी 2013 में वह फिल्म में भी नजर आई थी। बात करें दोस्तों फिल्म डॉक्टर जी मूवी में सुपरस्टार अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की देखने को आपको नजर आएगी। वैसे ही दोस्तों साथ ही साथ अभिनेत्री शेफाली सरजो की यह भारतीय फिल्म अभिनेत्री है यह भी डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। और दोस्तों इनकी करियर की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 1990 के दशक की शुरुआत में शेफाली शाह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत गुजराती और अंतर कलेजिएट नाटक में काम करते साथ उनके काम में एव और वर्गनी अंतरक्षी और डॉक्टर टेम्पेन रसा पत्रिका द्वारा 1995 के एक टुकड़े ने बताया कि शाह ने गुजराती और रंगमंच के तीसरे में से एक बने और अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया था। वह एक नाटक में उन्होंने टीवी धारावाहिक और कैंप 1993 में एक टीम सदस्य के ध्यान में लाया और जिन्होंने सुझाव दिया था कि इसमें एक भाग के लिए ऑडिशन दे थे। बात करें दोस्तों अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और आयुष्मान खुराना को जोड़ी जो कि इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट फिल्म डॉक्टर जी मूवी में देखने को आपको मिलेंगे। फिल्म डॉक्टर जी मूवी को दोस्तों आप देखना बेहद पसंद करते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें।